व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत अहम टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पेपर अनाउंस कर दिए हैं, जो कि 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 30 तारीख तक जो है वो जाएंगे, और हर स्कूल में हर क्लास का पेपर जरूर होगा। ये इसके लिए उन्होंने जो लिंक प्रोवाइड किया है वो लोड की वजह से ओपन ही नहीं हो रहा, इसलिए स्कूल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही है कि वो पेपर को किस तरह डिज़ाइन करें और किस तरह जो है वो पेपर को सेट करके अपनी क्लासेस को देके और पेपर अरेंज करवा सके। उसके लिए हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड सॉल्यूशन है, और गवर्नमेंट ने जो खुद प्रोवाइड किया है सॉल्यूशन, उन्होंने आइटम बैंक दे दिया है उस वेबसाइट के से अलहदा, और उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। वो लिंक मैं आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और पूरा तरीका आपको जो है वो समझाऊंगी कि पेपर को किस तरह से आइटम बैंक से लेके आप अपने स्कूल के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो, और मजीद जो है आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको गाइड करूंगी पेपर को किस तरह डिजाइन करना है। से आप लिंक को कॉपी करके और गूगल क्रोम ओपन करेंगे और वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है वो आइटम बैंक ओपन हो जाएगा। इसमें देखें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक तमाम क्लासेस के जो है वो फोल्डर्स दिए गए हैं और ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे पेपर्स, ये डिफरेंट फोल्डर्स जो दिए गए हैं ये जिप फॉर्म में है। आप जिस क्लास का आपको पेपर्स चाहिए उस क्लास का फोल्डर के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे, माउस से क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम क्लास 6 के फोल्डर को सिलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखें प्रिपेयरिंग डाउनलोड जिपिंग 1 फाइल, ये जिप्ड फाइल में आपको देगा। आपको इसे अनजिप करना पड़ेगा। अनजिप करने के लिए जो है आपके पास विनरार या विनजिप का जो है वो होना चाहिए सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें और उसके जरिए से आप इसको अनजिप करेंगे ताकि आप पेपर के ऊपर जो है वो एडिटिंग करके अपने स्कूल के मुताबिक उसको डिज़ाइन कर सकें। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा ग्रेड 6 का जो है वो फोल्डर डाउनलोड हो गया। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास विनरार जो है वो हुआ हुआ था इंस्टॉल, तो इसने ये विंडो ओपन कर दी हमारे लिए जिसमें वो कह रहा है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करें। तो वो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगी और तो वो पूछ रहा है कि आपने इसको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने जो है वो एक फोल्डर बनाया हुआ है पैक के नाम से, दिस वन, इसको मैं क्लिक करके ओके कर दूंगी तो इस पैक के फोल्डर में जो है इसको अनजिप कर देगा। ये देखें ये पैक का फोल्डर है और ये ग्रेड 6 का फोल्डर उसने जो है वो अनपैक कर दिया गया। अब इसके अंदर देखें आपको जो है वो दो तरह के फोल्डर मिलेंगे, पीडीएफ फाइल और वर्ड फाइल। वर्ड की फाइल को ओपन करना है। देखिए आपके पास ये पेपर्स आ रहे हैं, वर्ड के फाइल फोल्डर को जब हमने ओपन किया तो ये हमारे सामने पेपर्स आ गए। अब आपने किस तरीके से जो है इसको अपने स्कूल के मुताबिक अरेंज करना है। हर पेपर आप खोलेंगे, सबसे पहले हम कंप्यूटर का पेपर ओपन करते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 6। ये हमें पूछेगा कि आपने एडिटिंग को अनेबल करना है या नहीं। आप इनेबल एडिटिंग करें ताकि हम इसके अंदर चेंजेस कर सकें। उसके बाद यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे जी ग्रुप ए, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें माउस के साथ और यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देंगे आप, जो भी आपके स्कूल का नाम है, विद EMIS कोच ब्रैकेट में 3-5 व्हाटएवर, जो भी आपके स्कूल का EMIS कोड है। तहसील में इसको पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट वाला हम पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपने लिखेंगे जी डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम और यहाँ पे सेक्शन और रोल नंबर डेट वगैरह आ जाएगी। वो बच्चा खुद लिखेगा जब उसको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने चूंकि दो वर्जन्स बनाने हैं, 50% स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे और बाकी 50% दूसरे दिन आएंगे, तो हम बजाय इसके कि पहले ये फॉर्मेटिंग एक पेपर पे करें फिर दूसरे पेपर पे करें, तो हम इसी पेपर को सेव एज कर लेते हैं ताकि जो ग्रुप बी का हमने पेपर बनाना है वो हम बेहतर तरीके से बना सकें इसी फॉर्मेटिंग के तहत, ताकि हमें दूसरे पेपर में दोबारा से एडिटिंग ना करनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, ये फोल्डर वही सेम वाला खोला और यहाँ पे हमने एंड पे लिख दिया ग्रुप बी, राइट, कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 6 ग्रुप बी सेम।
ठीक है जी, अब मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखाती हूँ। वहाँ पे दो पेपर आ जाएंगे, दिस वन देखें, ये कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 6, ये ग्रुप ए का हो गया, और ये कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 6 ग्रुप बी, ये ग्रुप बी का हो गया। इसी तरह से आपने जितने ये सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके सब क्लास में, आपके स्कूल में अगर ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो आपने इस सब्जेक्ट को ओपन करना है। इसी तरह से सेव एज करके दो पेपर्स बना लेने हैं, फिर हर सब्जेक्ट के साथ दो पेपर बनाते जाएंगे। अब इसके अंदर एडिटिंग कैसे करनी है, आपने जो पेपर अभी एडिट किया उसको खोल लें, और ये आपको इंस्ट्रक्शन नजर आएंगे बच्चे के लिए कि वो पेपर को कैसे सॉल्व करेगा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन दिए गए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन, ये भी क्वेश्चन नंबर वन है, ये भी क्वेश्चन नंबर वन है, और ये भी क्वेश्चन नंबर वन है। यानी हर क्वेश्चन 4 टाइम्स दिया गया होगा वर्ड के फॉर्मेट में। आपकी आसानी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वही चार चार क्वेश्चंस, 25 नंबर का जो पेपर था, जो कि वेबसाइट के ऊपर लिंक से आपने जनरेट करना था, अगर आपका लिंक काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ से जो फालतू क्वेश्चंस हैं उसको आप डिलीट कर दें, जो आपको रिक्वायर्ड एक क्वेश्चन है जो आप पेपर में देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो है वो चूज कर सकते हैं, राइट। तो वो काम कैसे करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन देना है और बाकी के क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 1 से डिलीट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे माउस से, ठीक है जी, इसको डेल का बटन जो है वो कीबोर्ड के ऊपर वो प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से फिर जो थर्ड इसकी एंट्री है क्वेश्चन नंबर 1 की, उसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की जो फोर्थ एंट्री है उसको भी सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की सिर्फ एक एंट्री यहाँ पे रह गई है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की भी 4 ऑप्शन दी गई है, दिस वन, ये थर्ड ऑप्शन एंड ये फोर्थ ऑप्शन। इसमें से भी हमें ऑब्वियसली एक क्वेश्चन देना है, तो जो भी क्वेश्चन आपने देना है, फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर वाला देना है या थर्ड नंबर वाला देना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अलावा जितनी ऑप्शंस हैं, ये फोर्थ वाली हमने सिलेक्ट की, डेल की प्रेस की, उसके बाद हम आ गए सेकेंड वाले पे, ये हमने डेल कर दिया, सेकेंड वाला थर्ड वाला हमने रखना है, और इसी तरह से ये जो फर्स्ट एंट्री थी इसकी वो भी डेल कर दी। तो अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 भी 1 टाइम, क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 टाइम रह गया। इसी तरह से सो ऑन क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये क्वेश्चन नंबर 3-4 टाइम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इसी तरह से इसको सेलेक्ट करते जाएंगे और डेल करते जाएंगे जो कि क्वेश्चन अपने पेपर में नहीं देना चाहते। ये एक वर्जन प्रिपेयर हो जाएगा, फिर वापिस आप अपने फोल्डर में आएंगे और फिर जो दूसरा वर्जन होगा उस पेपर का उसको ओपन कर लेंगे। पहले वर्जन से फर्क क्वेश्चन आप दूसरे वर्जन में दे देंगे, तरह से बाकी पेपर्स के साथ भी आप जो है वो एडिटिंग करके अपना पेपर डिजाइन कर सकते हैं। और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, पेपर जो है वो A4 पे प्रिंट होना चाहिए, पेज का साइज है A4। और ये दो बातों का और जो है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि ख्याल रखना है कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एग्जाम्पल, इसका जो क्वेश्चन का पार्ट है वो पेज 1 के एंड पे आ रहा है, जो इसकी ऑप्शंस हैं वो पेज 2 के स्टार्ट में चली गई हैं। तो इस तरह का जो है वो पेपर नहीं प्रिंट होना चाहिए, इसकी अच्छी तरह से आपने एडिटिंग कर लेनी है। एडिटिंग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास स्पेस आपको नजर आ रही है, यहाँ पे माउस रखें, इसको डिलीट की प्रेस करते जाएं, जहां जहां पे आपके पास फालतू स्पेस है। अब जैसे इसकी स्पेस हम कम यहाँ से कर सकते हैं, सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप क्लिक करें, ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसकी स्पेस हम कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 की जो तमाम ऑप्शंस हैं वो भी ऊपर वाले पेज पे चली गई हैं। यानी हर क्वेश्चन का क्वेश्चन पार्ट और उसका ऑप्शन पार्ट एक ही पेज पे होना चाहिए, वो डिवाइड हुआ हुआ सेपरेट पेजेस पे नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो एक बात का ध्यान रखना है कि वो सिक्वेंसिंग है क्वेश्चन नंबर्स की, वो भी करेक्ट होनी चाहिए। यानी 1, 2, 3 और 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 25, तमाम सिक्वेंसिंग इसकी जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिनको पेपर बनाने में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।